एसपी रॉक गार्डन का जमुल है और मेरा ताल्लुक कराची से है और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग यहाँ गुजरात में हुई है। सीएसएस का शौक जो था वो शुरू से ही था, बचपन से। व्हेन आई वाज इन क्लास सिक्स तो मैं वहाँ एएसएफ पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी, तो वहाँ पर हमारी एक टीचर आई थी, शी वाज लाइक वेरी यंग एट दैट एज ना, तो आई वाज लाइक वेरी इंस्पायर्ड कि वो टीचर आई और वो हमें बड़ा गाइड कर रही कि आप लोग अपनी लाइफ में एक दफ़ा ज़रूर सीएसएस लीजिएगा। दैट वाज अ कम्प्लीटली न्यू वर्ड फॉर मी कि व्हाट इज़ सीएसएस ना, आई वाज जस्ट इन क्लास सिक्स तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि ये क्या चीज़ होती है। वो खुद सीएसपी थी और वो अपनी छुट्टियों के ऊपर थी, तो शी सडनली आस्क मी कि जो है ना आप क्या बनना चाहती हैं। तो उस वक्त मैं इतनी छोटी थी तो मैं ये कहती थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी, तो उन्होंने बोला नहीं आपने एक दफ़ा लाइफ में सीएसएस ज़रूर देना है। तो वहाँ से मुझे ना एक आई वाज सो इंट्रीग्ड कि ये क्या सीएसएस होता है। मैंने घर पे भी जाके पूछा सडनली, मेरे फादर बैठे हुए थे तो मैंने उनसे पूछा कि सीएसएस क्या चीज़ होती है, तो फिर उन्होंने मुझे पूरा समझाया कि सीएसएस ये होता है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विस है, तो ये एग्ज़ाम देना बहुत बहुत अच्छे लोग मतलब बहुत आला एग्ज़ाम है और ये ज़रूर देना चाहिए, इससे जो है ना आप अपने मुल्क के लिए बड़े काम कर सकते हैं। सिक्स क्लास से ही मेरे दिमाग में ये बैठ गया था कि चलो लाइफ में कुछ भी कर लूँगी, एंड में एक दफ़ा सीएसएस का एग्ज़ाम ज़रूर दूँगी। तो फिर इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर भी बन गए। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम डाव यूनिवर्सिटी इन 2015। फिर उसके बाद मैंने जब मैं अपनी हाउस जॉब कर रही थी तो फिर मेरे दिमाग में था कि सीएसएस तो देना है, तो फिर मैंने अपनी हाउस जॉब में ना अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की कि सीएसएस दूंगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा ना डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ पढ़ रही होती थी। फिर फाइनली इवेंचुअली इन 2018 मैंने प्रॉपरली तैयारी की। इट वॉज़ अराउंड 5 to 6 months मेरी प्रिपरेशन थी और फिर मैंने बस अल्लाह का नाम लेके एग्ज़ाम दे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह सीएसएस क्लियर भी हो गया। पुलिस का शौक इस तरीके से हुआ था कि पुलिस के अंदर जो था फीमेल है नहीं, मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉई थी, तो मेरे फादर को बड़ा शौक था कि मैं पुलिस में जाऊं। हालांकि मुझे सबने बड़ा कहा कि नहीं तुम लड़की हो तुम पुलिस में क्या करोगी, हार्डली 2% फीमेल है हमारी पुलिस सर्विस के अंदर, तो पुलिस को तुम नीचे रखो, पुलिस को ऊपर ना रखो, पुलिस तुम लड़की हो तुम क्या करोगी। लेकिन एक शौक था और फैमिली सपोर्ट बहुत थी, और तो मेरे ख़ानदान में पूरे कोई सी एस पी नहीं था लेकिन पुलिस का बहुत ज़्यादा शौक था। तो बस फिर मैंने अप्लाई कर दिया और हो भी गया, मेरिट पे थी मैं तो पुलिस में हो भी गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस सर्विस में है और चाहती हूँ कि मुल्क का नाम रोशन करें और मुल्क के लिए खिदमत करें। आई थिंक दैट्स द ओनली सर्विस जिसमें आप लोगों की ग्रीवेंसेस इजीली दूर कर सकते हैं। पुलिस के लिए हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे ज्वाइनिंग तो अभी कुछ अर्सा ही हुआ है यहाँ पे, लेकिन मैंने इसी टाइम के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों के काम करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। यहाँ पे मैं खुद लोगों के डिस्प्यूट सुनती हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस के औरतों के ऊपर बड़े इश्यूज आते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद ही इनके जो है ना मसले रिजॉल्व कर दूँ, उनका जो आपस में तनाज़ है जिस चीज़ के ऊपर भी चल रहा है, तो हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि इनकी सुलह करवा दी जाए। इस तरीके से ओपन डोर पॉलिसी है, कोई भी बंदा किसी भी वक्त आके मुझसे मिल सकता है और उसका कोई भी इशू है हम फौरन एक्शन लेते हैं उसके ऊपर। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लेनेंट के इश्यूज दूर करते हैं और यहाँ पर भी जो है ना कम्प्लीटली कोई भी मसला आता है तो मैं उसको खुद सुनती हूँ और कोशिश यही होती है कि आपस में इनकी आप सुलह करवा दी जाए। जुवेनाइल विमेन सेंटर भी बनाया है, इसके अंदर ये होता है कि जो भी औरतों की कंप्लेंट्स आती हैं घर की, घर में कोई लड़ाई हो गई, सास बहू की लड़ाई हो गई या भाई बहन की लड़ाई हो रही है, देवरों की लड़ाई हो रही है, इस तरीके से बहुत हमारे पास इशू आते हैं जिसमें डेली घरों पे लड़ाइयाँ होती हैं, तो उनका हमारी कोशिश होती है कि उनको थाने ना जाना पड़े, क्योंकि थाने का माहौल अभी तक जो है ना इतना लोग नहीं समझते औरतों के लिए स्पेशली कि वो थाने जाके अपने मसले डिस्कस करें। तो हमने प्राइवेट कमेटीज़ बनाई हुई हैं कि वहाँ पर वेमेन जाएँ अपने इशू डिस्कस करें और हम वहाँ पर बहुत आवाम दोस्त की तरह जैसे काम होता है उस तरीके से हम उनके मसले वहीं पे उस कमेटी के थ्रू रिजॉल्व करवा देते हैं।